हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शानी व्लॉग्स। तो ये टिप उनके लिए है जिनके बच्चे अभी रोल करना सीख रहे हैं, पलटने लगे हैं, तो वो बिस्तर से गिर जाते हैं। चीकू भी बहुत बार बिस्तर से गिर चुके हैं, 2-3 बार। तो फिर हम लोगों ने ये टिप अपनाई थी कि अब बिस्तर उसका नीचे लगाएं, क्योंकि आपको घर में हम दोनों ही अकेले, तो मुझे और भी काम होता है, किचन में भी काम होता है और बाकी जगह भी कुछ काम होता है, तो मुझे छोड़ना पड़ता है। और फिर मैं 24 घंटे एक जगह पर नहीं बैठ सकती, उसको नहीं देख सकती, कोई और किचन वाले काम भी करने ही पड़ेंगे, खाना तो बनाना ही पड़ेगा और बाकी काम तो करने ही पड़ेंगे, तो उसके लिए फिर मुझे जाना पड़ता है बाहर कमरे से। तो फिर इसके लिए हम लोगों ने अपनाया था कि हम बिस्तर इसका नीचे लगाएंगे, ताकि अगर वो पलटेगी भी तो कहीं गिरेगी नहीं। तो इस वजह से हम लोगों ने बिस्तर उसका नीचे लगाना शुरू किया। जिनके बच्चे अभी पलटना सीख गए और वो अकेले रहते हैं या कोई और नहीं साथ में रहता है, जैसे कोई फैमिली जॉइंट फैमिली है तो कोई बात नहीं, आप कोई किसी को बैठा सकते हैं, वो देखता रहेगा। पर अगर आप अकेले रहते हैं तो आप ऐसे ही करें, बिस्तर को एक बिस्तर आप नीचे लगा लें। अगर आपका सिंगल वाली मैट्रेस है तो फिर कोई आप गद्दा वद्दा लेके आए, जिसके पास गद्दा वद्दा भी नहीं है तो एक रजाई बिछा दें या चटाई वगैरह बिछा दें, या जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो बिछा दें नीचे। और जैसे अगल बगल हम लोग, हमारे पास ये गुड्डा था इतना बड़ा है इसका टैडी, तो वो हम लोग लगा देते थे। एक बीन बैग था, हम लोगों ने वो उस बगल में लगा दिया, क्योंकि उतनी जगह खाली रहती है, वहाँ पर भी जाके वो गिर जाएगी, मुझे लग जाएगी, तो हम लोगों ने वहाँ पर भी इसका ऐसे पूरा बना दिया, बिल्कुल सब जगह से कवर कर दिया, ताकि ये गिर ना जाए। और फिर अगर मुझे कुछ और भी काम करना है तो मैं आराम से करती रहूँ, बिना डरे कि ये कहीं गिर तो नहीं जाएगी। भी आराम से लेटी है यहाँ पे, तो ये हम लोग ऐसे इसका है, देखिए कैसे हम लोग करते हैं।